तो जैसा कि आप लोग काफी दिन से सुन रहे हो कि टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में काफी चर्चाएं चल रही है, काफी न्यूज में भी आ रही है, पत्रिका में भी आ चुकी है। तो इसी टूर ऑफ ड्यूटी से संबंधित आज हम बात करेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, कैसे लागू होगी, इस पे आज विचार विमर्श किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी फौजी, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और डायरेक्टर। तो आज हम बात करेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी, जी हाँ दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी है जो 4 साल के लिए बंदों को अभी लिया जाएगा, लेकिन इसमें भी संशय है कि 100% ही टूर ऑफ ड्यूटी लागू कर देंगे या 50-50% करेंगे या 40-60 का रेशियो रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा मेरा आइडिया या मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से 100% टूर ऑफ ड्यूटी लागू नहीं होगी, क्योंकि आर्मी के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे क्लर्क हैं, टेक्निकल है, अन्य है, जिनके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी खर्चा किया जाता है और उनको काफ़ी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उनको ऐसे नहीं है कि जो क्लर्क है वो 4 साल के लिए जाएगा और फिर वापस उसको घर भेज देंगे। कुछ ट्रेड्स हो सकते हैं जैसे जीडी है या ट्रेड्समैन, या ट्रेड्समैन का भी अभी क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन जीडी का लगभग ये हो सकता है कि उनको 4 साल के लिए लिया जाएगा, लेकिन वो भी 100% नहीं है कि 100 में से 100 बंदे पूरे टूर ऑफ ड्यूटी के लिए लिए जाएंगे। कुछ परसेंट इसके अंदर लिया जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी हमारी स्थिति कैसी है पूरी इंडिया की। जैसे हमारा काफ़ी बॉर्डर चाइना लगता है, काफ़ी बॉर्डर हमारा पाकिस्तान, राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमारा बॉर्डर पाकिस्तान का भी लगता है। तो इतना मेरे हिसाब से केंद्र सरकार या इंडियन आर्मी इतना एकदम से जल्दी इतना बदलाव नहीं कर सकती है या इतना रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि आपको पता है जो 3 साल 2 साल के लिए या 4 साल के लिए जाएगा वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, कि उसको पता है कि मेरे को तो 4 साल नौकरी करनी फिर घर चला जाना। लेकिन जो बंदा परमानेंट है, वो आपको पता है कि फौज एक कच्चे धागे से बंधी रहती है। कच्चे धागे का मतलब हम गलत काम नहीं कर सकते और फौज का हुक्म मानना पड़ता है, और दूसरा एक सिक्योरिटी का भी लिहाज रखना पड़ता है। जो 4 साल के लिए जाएंगे शायद वो वफादार रहेंगे, फौज के प्रति वफादार रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, वफादार रहेंगे, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक संशय या एक शंका सी होती है इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से जो भी नतीजा आएगा अभी शायद जल्दी आने वाला, मैं तो अभी जो न्यूज़ सुन रहा हूँ कि मई लास्ट तक या जून फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा भर्तियों से संबंधित, और टूर ऑफ ड्यूटी का ये लागू करने वाले हैं। तो जिन भाइयों को लग रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू होगी, लागू बिल्कुल होगी, लेकिन कितना परसेंट होगी ये अभी भी संशय ही है। लेकिन मेरा ओपिनियन, मेरा जो आइडिया, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि 100% टूर ऑफ ड्यूटी लागू नहीं करेंगे, कुछ परसेंट करेंगे। और उसके अंदर भी जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि काबिलियत के हिसाब से, जी हाँ दोस्तों, जैसे काबिलियत के हिसाब से ये होता है कि जैसे बंदे को टूर ऑफ ड्यूटी में शामिल कर लिया गया 4 साल के लिए, लेकिन बंदे का डिसिप्लिन, बंदे का काम देखा जाएगा, बंदे का इंटरेस्ट देखा जाएगा, बंदे की क्वालिफिकेशन देखी जाएगी कि ये बंदा फौज के प्रति कितना वफादार है, कितना ईमानदार है, तो उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये इसको बोलते हैं काबिलियत के आधार पर भी चयन किया जाएगा, मतलब फौज में भर्ती होने के बाद में जिस बंदे का अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा काम, अच्छा सीखने का तरीका, अपने से सीनियर से, मतलब डिसिप्लिन में सब कुछ ही आ जाता है, तो ये सब कुछ ओवर हाल उसका एक रिजल्ट बनेगा। नहीं, इस बंदे ने 3 साल या 4 साल में बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट की है, बहुत अच्छा दिल से काम किया और सीखने की एक इसके अंदर एक लालसा है, तो उस बंदे को उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको परमानेंट ले लिया जाएगा। इसको बोलते हैं काबिलियत के आधार पर बंदे का प्रमोशन करना। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है कि अभी जो आपकी ट्रेनिंग है वो लगभग सब सेंटरों में हो चुकी है, कि 15 वीक आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी और 15 वीक आपकी एडवांस ट्रेनिंग होगी और 4 वीक की आपको रिक्रूट लीव छुट्टी दी जाएगी, तो टोटल 34 वीक की ही ट्रेनिंग होगी। तो उसमें एक जो मतलब जो एक्स्ट्रा वीक थे तो मतलब उनको कम कर दिया गया है, जो कुछ एक्स्ट्रा वीक थे उनको कम करके टोटल 15 बेसिक और 15 एडवांस करके टोटल 30 वीक और 4 वीक आपकी इसमें बच्चों की रिक्रूट की छुट्टी रहेगी। तो टोटल 34 वीक में आपको मतलब 6 महीने के अंदर कंप्लीट ट्रेनिंग करके आप कसम परेड खा के आप यूनिट के अंदर पोस्टेड हो जाओगे। तो ये नेक्स्ट मतलब हो चुका है, और अभी टूर ऑफ ड्यूटी का जो अभी है वो जल्दी ही लागू हो जाएगा, और इसमें मैं आशा करता हूँ कि 100% लागू नहीं हो, कुछ परसेंट शायद रेशियो रखेंगे, अभी 30-50 भी रख सकते हैं या 40-50 रख सकते हैं, 40% मतलब टूर ऑफ ड्यूटी रख देंगे, 60% परमानेंट रख देंगे, या 50 टूर ऑफ ड्यूटी और 50% परमानेंट रख देंगे। ये अभी संशय ही बना हुआ, तो इसके ऊपर अभी जैसे ही कुछ आएगा, नोटिफिकेशन होगा, कुछ कंफर्मेशन आएगी, तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जहां भी हो अपनी तैयारी करते रहो, भर्तियों का शायद अभी मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक घोषणा हो जाएगी, जो टेंटेटिव शेड्यूल की जो आती है, जैसे हर साल मार्च में आती है, लेकिन अभी इस टूर
ऑफ ड्यूटी के चलते डिले कर दिया गया है। तो अभी मई लास्ट तक बता रहे, मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक ट्यूर ऑफ ड्यूटी और प्लस आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑल इंडिया का शेड्यूल है वो भर्ती का आ जाएगा। आप लोग अपनी मेहनत करते रहना। आपका दोस्त लकी फौजी, जय हिंद जय भारत। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। आपका दोस्त लकी फौजी, जय हिंद जय भारत।